हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इलाहाबाद बैंक के रुपए डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई लोगों के पास अभी भी इलाहाबाद बैंक का रुपए डेबिट कार्ड अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इलाहाबाद बैंक के रुपए डेबिट कार्ड के लिमिट, चार्जेस और बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बुआ में। सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए कुछ नया जाने। यह है दोस्तों इलाहाबाद बैंक का रुपए डेबिट कार्ड। इसका अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूं दोस्तों, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस डेबिट कार्ड की लिमिट, चार्जेस और बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले के डेबिट कार्ड में ऑटोमेटिक पिन जनरेट करके दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इस पिन मिलर के अंदर में आपका 4 डिजिट का पिन एंटर है। अभी दोस्तों आपको ATM में जाके अपना नया पिन बनाना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों ये एक यूज़र गाइड मिल जाता है। इस यूज़र गाइड में दोस्तों आपके डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दिया गया रहता है कि इसमें आपको दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या फीचर मिलेगा और कितना चार्जेस लगेगा। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस यूज़र गाइड में मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसको स्किप करते हैं, आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये है दोस्तों इलाहाबाद बैंक का रुपए डेबिट कार्ड। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक का ब्रांडिंग किया गया है और साथ में दोस्तों इलाहाबाद बैंक का लोगो का भी ब्रांडिंग किया गया है। यहाँ पर दोस्तों डेबिट एंड प्रीपेड लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपके डेबिट कार्ड का अकाउंट नंबर लिखा रहता है, जिसको मैंने सिक्योरिटी रीजन के लिए हाइड करके रखा है। और इसके नीचे में दोस्तों इस डेबिट कार्ड का वैलिड डेट लिखा रहता है, जो कि 5वां महीना 2025 तक का वैलिड है। यहाँ पर नीचे में दोस्तों RK करके कुछ कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे दोस्तों तो ये चिप सिस्टम डेबिट कार्ड है और यहाँ पर एरो बना हुआ है। और इधर साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों रुपए का भी ब्रांडिंग किया गया है, क्योंकि रुपए भारत का स्वदेशी है दोस्तों, इसलिए जब भी आप नया डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको रुपए डेबिट कार्ड ही मिलता है। और इधर ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, जिसके जरिए दोस्तों आप बिना पिन के 5000 रुपए तक का कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर यूज ओनली इन इंडिया लिखा हुआ है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को आप इंडिया के बाहर यूज नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों डोमेस्टिक डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के जरिए आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते। और इधर इस डेबिट कार्ड के बैक में दोस्तों आपको CVV कोड मिल जाता है, जो कि यहाँ पर रहता है 3 अंक का कोड रहता है, यही इसका CVV कोड होता है। और इस वाले पट्टी में दोस्तों व्हाइट वाले पट्टी में आपका सिग्नेचर रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस डेबिट कार्ड की चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस डेबिट कार्ड का इश्यू चार्जेस नील है, यानी जब आप पहली बार इस डेबिट कार्ड को इश्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों फर्स्ट ईयर ये डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री है। अब जानते हैं दोस्तों इस डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपये हैं, प्लस 18% GST इंक्लूड है। दोस्तों आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हर साल पे करना होता है, जो कि बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट कर लेता है। तो ये था दोस्तों इस डेबिट कार्ड की चार्जेस के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों इस डेबिट कार्ड की डेली विड्रॉल लिमिट के बारे में। दोस्तों इलाहाबाद बैंक के रुपए डेबिट कार्ड का डेली ATM विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपए है, यानी आप एक दिन में 25,000 रुपए तक का ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इस रुपए डोमेस्टिक डेबिट कार्ड का डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट 25,000 रुपए है, यानी आप एक दिन में 25,000 रुपए तक का ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक दिन में टोटल 50,000 रुपए तक का लिमिट मिल जाता है। तो ये है दोस्तों इलाहाबाद बैंक के रुपए डोमेस्टिक डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी। अगर कोई जानकारी छूट गया होगा दोस्तों तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में बहुत सारे डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो अवेलेबल है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए जाके देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह की नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।